राजधानी दिल्ली में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें डराने वाली है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर 208 मीटर से ज़्यादा पर पहुंच गया है। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज़्यादा है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर फैली हुई है। केंद्रीय जल आयोग को आशंका है कि गुरुवार दोपहर तक जल स्तर 209 मीटर पर पहुंचने पर ज़्यादातर इलाके जलमग्न हो जाएंगे। यहाँ NDRF की 12 टीमें तैनात की गई हैं। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। कई इलाके पानी से डूब गए हैं। 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज़्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि बाहरी राज्यों के लोग दिल्ली में प्रवेश ना करें। भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लोगों से भी घर में रहने की अपील की गई है। वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। उधर CM आवास के 500 मीटर तक जलभराव हो गया है। यमुना बाजार, मजनी का टीला, निगमबोध घाट, मोनेस्ट्री पार्क, आपको बता दें मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आपको बता दें कि आखिर यमुना में पानी कहाँ से आता है। यमुना पर दो बैराज हैं, एक देहरादून में डाकपत्थर पर तो दूसरा दिल्ली के अपस्ट्रीम में यमुनानगर के हथनी कुंड में। यहाँ कोई बांध नहीं है। हिमाचल, हरियाणा में जब भी तेज़ बारिश होती है तो यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। इसका असर दिल्ली में होता है। यही वजह है कि रविवार सुबह 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 203 मीटर था, जो बढ़कर गुरुवार को 208 मीटर तक पहुंच गया। उधर हरियाणा में भी 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे आज 5 जिले जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल और सिरसा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में पानी का स्तर अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह 8 बजे ये 208.48 मीटर तक पहुंच गया। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसी कारण राजधानी में बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी, शमशान घाट को अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया है। यदि पानी की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ती है तो निगमबोध घाट के निचले घाटों को भी अंतिम क्रिया के लिए बंद करने का आदेश जारी किया जा सकता है। दिल्ली के निचले इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। अब तक लगभग 20,000 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। टेंट में लोगों को रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर राजधानी के सरकारी स्कूलों को स्थायी आवास केंद्रों में तब्दील किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वजीराबाद जल शोधन संयंत्र पहुँचे। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पर पहुंची है। अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं क्योंकि पानी मशीनों में घुस गया है। पानी कम होने के बाद मशीनों को सुखाया जाएगा। इससे दिल्ली का पानी करीब 25% कम हो जाएगा। दिल्ली में 1-2 दिन पानी की किल्लत रह सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।